ऐसा साइलेंसर आपने कहीं नहीं देखा होगा। एग्जॉस्ट है गाइज, और देख लो ये कैसी लग रही है। ऑस्टिंग रेसर जिसके कहेंगे, इसमें एससी प्रोजेक्टर का एडवेंचर, चीप एंड कॉस्ट एससी प्रोजेक्टर का, और अच्छा लग रहा है। चलो अब मैं आपको फाइनली साउंड सुनाता हूँ एक बार, कोई जुगाड़ नहीं, फुल सिस्टम लगा के दिखाएंगे इस वीडियो में। तो ये देखो, पहला देखो मैं आपको दिखा। हेलो, तो कैसे हो दोस्तों। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए KTM RC KTM 200cc में फुल सिस्टम लगवाएंगे, और बिना कोई एग्जॉस्ट को कटिंग कराए, बिना कोई वेल्डिंग कराए, सब कुछ दिखाएंगे इस वीडियो में, और एक से एक साइलेंसर सुनाने वाले। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए देखते हैं क्या क्या स्टार्टिंग होने वाला। जैसे मॉफलर बाहर आएगा और फिर हम इसको कराएंगे। देख लो ये क्या लिया है भाई, ले लिया सब्बल। मतलब गाइस ये लोग साइलेंसर नहीं लगा रहे, गाड़ी के वाट लग जाएगी लग रहा है। आई थिंक देख सकते हो गाइस, इसको निकालने में कितना वो लग गया है। गाइस आज अब इसमें हम लगाएंगे फुल सिस्टम। तो फिलहाल हमारे पास सिस्टम आ चुका है और अब हम सुनाएंगे इसका साउंड आपको। तो देखो फाइनली अभी इसका खुल गया है मफलर बाहर, और मैं पहले आपको मफलर दिखाता हूँ। ये है शोरूम फिटेड मफलर, काफ़ी भारी मफलर है गाइस, देख सकते हो। और अभी जो आपको मैं साउंड सुनाऊंगा ना गाइस, मतलब ऐसा साउंड आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कहीं, क्योंकि आज हम इसमें बैंड लगाने वाले हैं प्रॉपर वे में। कोई कटिंग वगैरह कुछ नहीं होगा, कोई वेल्डिंग कोई जुगाड़ नहीं, फुल सिस्टम लगा के दिखाएंगे इस वीडियो में। तो ये देखो, पहला देखो मैं आपको दिखाता हूँ साइलेंसर। ये एक्रा बॉबिक, ये देखो ऐसा साइलेंसर आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये AHMR प्रो रेसिंग एग्जॉस्ट है गाइज, और देख लो ये कैसी लग रही है, और इसका आवाज़ तो कुछ ज़्यादा ही सेक्सी है। और उसके बाद हम सुनने वाले हैं AR ऑस्टिंग रेसर, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक बोलती है। उसके बाद हम सुनेंगे इसमें SC प्रोजेक्टर का एडवेंचर एग्जॉस्ट, और फिर एंड में हम सुनेंगे सबसे चीप एंड कॉस्ट SC प्रोजेक्टर का साउंड। तो टोटल साउंड इसमें टोटल सुनने वाले हैं 5, और उसके बाद एक लास्ट में सरप्राइज आपके लिए, ये कार्बन कोटिंग आई है। हालांकि ये भी एक्रा बॉबिक का ही है, बट क्या है इसमें आपको बैचिंग नहीं कहीं दिखने को मिलेगा, बट ये कार्बन कोटिंग है, रस्ट वगैरह जल्दी कहीं नहीं पकड़ेगी। तो आइए फटाफट पहले हम इसमें बैंड लगवाते हैं और सुनते हैं साउंड। तो अभी हम पहले बैंड को लगवाएंगे और उसमें साउंड सुनेंगे। फाइनली गाइस हमने इसका कर दिया मफलर को बाहर, और ये देखिए यहाँ हमने लगा दिया इसको फुल सिस्टम बैंड पाइप। अब हम इसमें टेस्ट करें SB का ऑस्टिंग रेसर, एक बार स्टार्ट कर दो भाई। ये देखो गाइस, ये बिना RPM का चल रहा है। चेंज करो चेंज करो, SC लगा दी, SC एक बार SC प्रोजेक्ट लगाइए। तो ये SC प्रोजेक्टर 150 प्रोजेक्ट भी लगा। तो गाइस इसमें हमने लगा रहे AR AHMR का साइलेंसर। ये देखो आवाज़ इसका, देखो इसका आवाज़ थोड़ा आपको डिफरेंट, हल्का 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 हल्का। एक SC लगाइए, SC। अब गाइज हम सुनने वाले SC प्रोजेक्टर, ये वाले सुनते हैं, देखते हैं कैसा आता आवाज़। ये देखिए आराम से लगा, पूरा लगा पूरा लगा, मेहनत करो पूरा। हाँ अब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। गाइज ये इसका नॉर्मल साउंड, देख लो अच्छे से आप, लेते फुल थ्रॉटल। तो खास मजा नहीं आ रहा गाइस, अभी हम इसको सुन के देखते हैं। ये एडवेंचर है SC का एडवेंचर, इसको लगाओ। बंद मत करो बंद मत करो, तेरा उल्टा तेल पिएगा। कहाँ है? घर रहता है, बाबू। आ रहा है? फोन करना, ये चेंज।
अब हम फाइनली सुनने वाले हैं एग्रोबॉबिक का कार्बन कोटिंग। ये हाफ कार्बन है हाफ कलर है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसका डेवी कलर जब खोलेंगे तो और भी अच्छा साउंड निकलेगा। अभी फिलहाल भाई इसी से मजा ले रहा है। फिलहाल इसको सुनते एक बार और उसका डेवी कलर उतारते एक बार। ये देखो भाई, ये रख दिया हमने। इसका डेवी कलर खोलेगा तभी मजा आएगा। ये देखो गाइस, देखने में भी सही लग रहा है मुझे। अब इसका लेना एक बार। अब अगर गाइस, अगर सिटी में अगर आप चल रहे हो तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पब्लिक में आप लेके जाओगे तो कोई आपको डिस्क्रिप्शन नहीं करेगा। अब इसका डेवी कलर हम खोल के दिखाते हैं। तो देखो गाइस, ये इसका डेवी कलर काफ़ी हीट हो चुका है। अभी इसको देखो, सुनाते हैं एक बार। इसको लगाइए ना वापस। निकाल दिया। अरे निकाल दिया। अब देखो गाइस, बता कौन सा लगाएगा। नॉर्मल है, यही बढ़िया है ना। तो देखो गाइस, जैसे कि मैं बोल रहा था ना, और ये सही भी लग रहा है देखने में, अच्छा भी लग रहा है ना। इसका ड्यूटी कलर जो हटा दिया ना, तो अभी एडजस्ट थोड़ा मतलब साउंड ज़्यादा किया। अब इसको लगा देने से मतलब सिटी में हम लोग नॉर्मली मतलब ऐसे घूम सकते हैं, कम निकालेंगे। ये आराम से निकाल लेगा, एक 6 नंबर लंकी रहता है, आराम से निकाल लेगा। पास है ना, सोनू के दिया है गाड़ी में, तो इससे हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो फाइनल गाइज, अभी लगने वाला है एग्रोबॉबिक का। ये देखो गाइज, हमने लगा दिया फाइनली एग्रोबॉबिक। काफ़ी डिफरेंट एग्जॉस्ट मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया है, और सारा का एक करके साउंड भी सुना मेरे को कमेंट कर देना। और देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ फुल सिस्टम इसका एग्जॉस्ट। यहाँ हमने लगा दिया है इसका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ये देखो, इसमें 2 स्प्रिंग लगा दिया है। वेल्डिंग का कोई भी काम नहीं हुआ गाइज, तो बिना कोई हिचकिचाहट का, बिना कोई वेल्डिंग का कोई जुगाड़ नहीं है। यहाँ पर मैं क्लैंप लगा दिया है और एक लगा दिया है बोल्ट। वो बोल्ट भी आपको साथ में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है। और इसमें लगा दिया मैंने डेवी क्लियर। अभी इसका डेवी क्लियर खोल के भी सुनेंगे और आफ्टर डेवी क्लियर के बाद भी सुनेंगे, तो दोनों सुनेंगे इसका साउंड कि RC 200 में हम सुनने वाले हैं गाइस। अब देखिए, इसका आगे हम रिम लगा रहे हैं, हेडलाइट इसको बोलते हैं, रिंग लाइट। अब इसको रिंग लाइट को हम जला के दिखाएंगे। बहुत मुश्किल हो गया डेवी क्लियर खोलने का। डेवी क्लियर दिखाना भाई। भाई देखने में तो बहुत छोटा है, बट इसको खोलने में ना आदमी की हालत फट जाती है, मतलब सही है भाई। अब मैं आपको साउंड एक बार सुनाता हूँ गाइस, और एक बार हम रोड टेस्ट करने वाले हैं। ये देखो, रेडी टू राइड। अब यहाँ भैया ने लगा दिया अभी रिंग लाइट, देख लो ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब मैं आपको फाइनली साउंड सुनाता हूँ एक बार। ये देखो, डेवी क्लियर खोल दिया हमने। ये देख लो पब्लिक का रिएक्शन। अभी फटाक से इसको बाहर लेते हैं। बाइक में बैठ गया और ये अपना मोटा भाई इधर है। ये बाइक है, मतलब क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा इश्यू हो गया था। अभी छोटा सा साइड स्टैंड का बोल्ट हमने टाइट नहीं कराया था, बट सेंसर के द्वारा पता चल गया कि क्या दिक्कत है। तो समझ सकते हो, गाड़ी में अगर सेंसर दिया हुआ तो हम कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है गाइस। अभी देख लो, वापस से टाइट हो रहा हो, फिर एक लेते हैं राइड, ठीक है।